और इस बीच रायपुर से आ रही एक और बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल विधानसभा चुनाव के लिए जेसीसीजे ने अपना शपथ पत्र जारी कर दिया है और शपथ पत्र को लेकर के जेसीसीजे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी का बयान भी सामने आया है। प्रदेश के चुनाव में जोगी फैक्टर काम करेगा, अमित जोगी ये बात कह रहे हैं। तो अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी की तरफ से ये बात कही गई और अपने आप में ये काफी अहम, उनका ये कहना है कि प्रदेश में जब चुनाव होने वाले हैं विधानसभा चुनाव में जोगी फैक्टर काम करेगा और बेटियों के पैदा होने पर 1,00,000 रुपए भी दिया जाएगा। अपनी तरफ से उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो बेरोजगारों को 3,000 बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा, गरीब वर्ग के बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जाएगी। जेसीसीजे ने प्रदेश में शराबबंदी का भी वादा किया और वादा नहीं निभाऊंगा तो सूली पर लटका देना, अमित जोगी ने यह बात कही। और देखिए जिस वक्त अपना शपथ पत्र जारी कर रहे थे पार्टी का, उस वक्त यह तस्वीर है और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के ये शपथ पत्र जारी किया गया है। देखना होगा कि इसका कितना असर विधानसभा के चुनावों पर जमीन पर होता है। तो मेरी लड़ाई जो है वो ना कांग्रेस से है ना भाजपा से है, मेरी लड़ाई प्रदेश की गरीबी से है। हमको इन दोनों राष्ट्रीय दलों से लड़ाई नहीं बल्कि उनकी विदाई करने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की 3.25 करोड़ जनता को अपना नोटरी रजिस्टर्ड शपथ पत्र दे रहा हूं। 10 कदम गरीबी खत्म की नीति और नियत के साथ हम जनता के बीच इस शपथ पत्र को ले जा रहे हैं। तो अमित जोगी को आप सुन रहे थे। अमित जोगी ने अपना शपथ पत्र जारी करते हुए ये तमाम बातें कही, तमाम वादे किए गए हैं और इन वादों के साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने वादे पूरे नहीं करूंगा तो मुझे सूली पर चढ़ा देना। तो ये अपने आप में बड़े दावे प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जेसीसीजे की तरफ से किया गया और उन्होंने सबसे अहम बात जो कही है वो ये कही है कि जोगी फैक्टर चुनाव के वक्त में काम करेगा। और अंकुश शर्मा इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अंकुश, किस तरीके से देखा जाए, दावे तो किए जा रहे हैं, ऐसे सभी पार्टियां दावे कर रही हैं, लेकिन क्या वाकई जोगी फैक्टर काम करता दिखाई देगा और अमित जोगी अपनी पार्टी को आगे ले जाते दिखाई देंगे पिछले बार से बेहतर? जी हाँ बिल्कुल, और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अगर देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण ये घोषणा पत्र है, ये जो गारंटी है, गारंटियां जो है वो जारी की गई हैं और जो भी कांग्रेस के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से ये तमाम घोषणाएं की हैं। अलग अलग घोषणाओं के बारे में अगर बात करें तो 91,00,000 परिवार के माध्यम से जोगी शपथ के रस्म माध्यम से पार्टी जो है वो आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और इसी के अलावा भाजपा और कांग्रेस को जोगी ने डी कंपनी करार दिया है। इसके अलावा SC ST वर्ग सहित अन्य वर्गों को 5,00,000 के अनुदान की घोषणा की है। बेटियां पैदा होने पर 1,00,000 रुपए हर परिवार को दिया जाएगा। बेरोजगारों को 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की गई है। 4,000 रुपए धान का समर्थन मूल्य और खेती के लिए निशुल्क बिजली देने की घोषणा की है। कुल मिलाकर जो घोषणाएं हैं उस हिसाब से जोगी कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं इस बार जो बीजेपी और कांग्रेस को बड़ा नुकसान देने की फिराक में है और उसी के चलते ये बड़ा घोषणा पत्र जो है जोगी पार्टी की तरफ से जारी किया गया है। ठीक है, क्या अहम बातें हैं जरा एक बार फिर से अगर दर्शकों को आप बता पाए? देखिए अहम बातों की अगर बात करें तो एक तो महत्वपूर्ण वादा ये किया गया है कि अगर जोगी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो वो SC ST वर्ग सहित अन्य वर्गों को 5,00,000 रुपए का अनुदान दिलवाने की घोषणा है। किसी घर में अगर कोई बेटी पैदा होती है तो उस घर को 1,00,000 रुपए दिया जाएगा। बेरोजगारों को 3,000 रुपए महंगाई भत्ता जो कांग्रेस पार्टी से 500 रुपए ज्यादा है। और समर्थन मूल्य की अगर बात करें तो 2,500 रुपए से धान का समर्थन मूल्य मिल रहा है किसानों को और जोगी कांग्रेस पार्टी ने 4,000 रुपए धान का समर्थन मूल्य देने की घोषणा की है। कच्चे मकानों के लिए 5,00,000 रुपए देने की घोषणा की है। इसके अलावा स्थानीय लोगों को 90% आरक्षण नौकरियों में देने की बात की है। सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना और मुफ्त इलाज की घोषणा की गई है।
गरीब कुल मिलाकर के सभी पार्टियां चुनाव से पहले अपने अपने बड़े बड़े दावे लेकर के जनता के बीच जा रही हैं और अपनी अपनी तरफ से जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि किन के दावों पर जनता यकीन करती है। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका अंकुश।